हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसे कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है मनी इन दी बैंक के बाद का पहला स्मैकडाउन, जहां पर हमें काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली, बिकॉज WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है समर स्लैम, जिसके लिए WWE ने स्मैकडाउन की तरफ से अभी से ही कई सारे बड़े मैचेस कर दिए ऑफिशियल। यानी कि अब आने वाले स्मैकडाउन में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड इस वीक का स्मैकडाउन भी कुछ कम नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीक के स्मैकडाउन के लिए ऑलरेडी WWE ने कई सारी बड़ी चीजें कर दी है ऑफिशियल। एंड आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो ये है कि हमें फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी रिस्पॉन्ड करते हुए दिखेगी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन को। जैसा कि आप सब जानते हो, लिव मॉर्गन ने मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में सभी को शॉक करते हुए सेम नाइट पर ही कैश इन कर दिया, वो भी रोंडा राउजी पर, एंड उन्हें रोल अप पिन कर बन भी गई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। उसके बाद रोंडा राउजी उन्हें रिस्पेक्ट शो करती है। हम सभी को लग रहा था रोंडा राउजी लेने वाली WWE से ब्रेक, बट गाइस आप सबको बता दूं, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन या फिर कोई सा ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलने वाला समर स्लैम में, जिसमें रोंडा राउजी एंड लिव मॉर्गन दोनों शामिल रहने वाली है। अब क्या इसका मतलब है रोंडा राउजी का हील टर्न होने वाला है? तो अगर वो हील बनने वाली है तो जरूर से इसकी झलक हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है, या फिर उनका पूरे तरह से ही हमें हील टर्न देखने को मिल सकता है एंड वो काफी बुरी तरह से अटैक कर सकती है लिव मॉर्गन पर। एंड आप सब जानते हो रोंडा राउजी ब्रॉक लेसनर इस टाइप की हील नहीं है कि उन्हें हील टर्न करने की जरूरत पड़ता है। वो अगर किसी क्राउड के फेवरेट सुपरस्टार के सामने चल जाते हैं तो ऑटोमेटिक से ही वो बन जाते हैं एक हील, जैसा कि हम सब ने रोंडा राउजी के साथ पहले भी देखा था जब वो आई थी बैकी लिंच के अगेंस्ट। तो देखते हैं इस वीक के स्मैकडाउन में लिव मॉर्गन एंड रोंडा राउजी के लिए नेक्स्ट डायरेक्शन क्या कुछ होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लीजिए पैट मैकेफी एंड हैप्पी कॉर्बिन के बारे में। जैसा कि पैट मैकेफी ने स्मैकडाउन में हैप्पी कॉर्बिन को दिया था चैलेंज समर स्लैम में एक मैच के लिए, और अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने आप सबको बताया था मनी इन द बैंक के बाद हमें हैप्पी कॉर्बिन देखने को मिलते हैं एंड वहां पर वो आकर लगाते हैं एंड ऑफ डेज पैट मैकेफी पर, और वो उनके चैलेंज को कर लेते हैं एक्सेप्ट। यानी कि पैट मैकेफी और हैप्पी कॉर्बिन का मैच ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के पेपर व्यू के लिए। सो इस वीक के स्मैकडाउन में अगर हैप्पी कॉर्बिन आते हैं तो जरूर से पैट मैकेफी अपना बदला लेने की कोशिश करने वाले हैप्पी कॉर्बिन से, बिकॉज वो तो भाई रिंग साइड में कमेंट्री में बैठे रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है समर स्लैम में इनके सिंगल्स मैच में किसकी जीत हो सकती है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लीजिए मैक्सिमम मेल मॉडल्स के बारे में। तो जैसा कि मैक्स डुप्री काफी टाइम से ये थिंग टीज कर रहे थे कि वो अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड काफी वेट के बाद हमें ये पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि रेट्रीब्यूशन के मेस एंड सऊदी अरेबिया के फेवरेट मंसूर है। एंड वो मेल मॉडल्स है, इसलिए भाई WWE ने उन्हें अलग टाइप से इंट्रोड्यूस किया मेस एंड मंसूर ऐसा कुछ कर। अब इसमें काफी कमी लोग इंटरेस्टेड है, बट हां भाई तीनों सुपरस्टार्स में टैलेंट काफी ज्यादा है, तो क्या पता ये चीज सक्सेसफुल भी बन जाए। अब होगी या फिर नहीं वो तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। वैसे क्या आप मैक्सिमम मेल मॉडल्स में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर के बारे में। जैसा कि उन्हें एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है समर स्लैम के बाद के पेपर व्यू क्लैश एट द कैसल में, जो कि होने वाला है UK में, यानी कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो जाहिर सी बात है उन्हें WWE समर स्लैम में काफी अच्छा बुक करना चाहिए, एंड एक्सपेक्टेड है उनका मैच सेमस के साथ ही होगा, बिकॉज उनके लिए अभी कोई अपोनेंट दिख भी नहीं रहा है और सेमस जरूर सभी बराबरी का टक्कर दे रहे ड्रू मैकइंटायर को, जिस तरह से उन्होंने रिसेंट टाइम में परफॉर्म किया है। और इस वीक के स्मैकडाउन में हो सकता है कि हमें ड्रू मैकइंटायर चैलेंज भी करते हुए दिख जाए सेमस को समर स्लैम के पेपर व्यू के लिए। और अब पहले बात कर ली जाए उस चीज के बारे में जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का रिटर्न। जैसा कि भाई रोमन रेंस अभी हमें काफी कम ही WWE में देखने को मिल रहे, लेकिन हाँ अब वो पॉसिबली रेगुलर देखने को मिलने वाले, बिकॉज उनका समर स्लैम में मैच है ब्रॉक लेसनर के साथ, और आने वाले कई सारे रॉ एंड स्मैकडाउन के लिए WWE रोमन रेंस को एडवर्टाइज भी कर रही है। इनफैक्ट ब्रॉक लेसनर को भी, एंड गाइस इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस को तो एडवर्टाइज किया गया बट ब्रॉक लेसनर को नहीं। सो अगर WWE को सरप्राइज देना चाहती है तभी हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते, नहीं तो रोमन रेंस का हमें एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिल सकता है जहां पर वो बात कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। या फिर एक और चीज जो WWE कर सकती है वो ये है कि मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी हमें कन्फ्रंट करते हुए दिखे रोमन रेंस को, बिकॉज आप सब जानते हो रॉ में तो उन्होंने कहा ही है कि वो समर स्लैम में करने वाले कैश इन जो भी होगा लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड अभी तो भाई ऑस्टिन थ्योरी ट्रेंडिंग में चल रहे, तो क्या पता WWE उन्हें हमें स्मैकडाउन में भी यूज करते हुए दिखे जहां पर वो रोमन रेंस के सामने जाकर ये चीज बोले। अब क्या रोमन रेंस उन पर अटैक करते या फिर नहीं वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज भाई ऑस्टिन थ्योरी भी हील है एंड रोमन रेंस भी हील है, लेकिन रोमन रेंस थोड़े अलग टाइप के हील है, मींस वो हिल सुपरस्टार्स पर भी अटैक करते हैं, एंड अब जब उन्हें ऑस्टिन थ्योरी से खतरा है तब तो भाई वो अटैक करेंगे ही। और सैमी ज़ेन क्या एक्सक्यूज देते रोमन रेंस को वो नहीं बन पाए मिस्टर मनी इन द बैंक, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइज यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के फ्राइडे
फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है, लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना आप इस वीक के स्मैकडाउन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।